नमस्कार साथियों, जेएलसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा है, क्या था, किस तरीके से मध्य प्रदेश बना, कब बना और आगे चल के मध्य प्रदेश कैसा रहा। तो हम बात करते हैं जनरली, आगे चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। हमारे जो भी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी क्लासेस चल रही है उसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें, जो प्ले स्टोर पर GLC IAS MPBSC के नाम से अवेलेबल है, जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और एक टेस्ट सीरीज़ भी हमारी चल रही है, उसको भी आप परचेस कीजिए। प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है और बहुत अच्छे वे में दे रखी है। दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। एक्चुअल मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? 1st of November 1956 को। किस कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारा मध्य प्रदेश बना था? तो SRC कमेटी की रिकमेंडेशन से हमारा मध्य प्रदेश बना था। SRC मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग। इस कमेटी की रिकमेंडेशन से, और ये कमेटी कब बनी थी? 1953। अगर डेट आती तो 22 दिसंबर 1953 को ये कमेटी बनी थी, और 1955 ने इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए 1956 में 14 स्टेट प्लस 6 UT का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें एक स्टेट कौन सा था? हमारा मध्य प्रदेश, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1st of November 1956 को हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के एरिया की, कि मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में या किसी किसी जगह पर एक ये डाटा भी मिलता होगा, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों, ये डाटा जो है हमारा अभी कहीं प्रॉपर नहीं आया है। ये डाटा इसलिए कि छत्तीसगढ़ के साथ हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा था, जो किरार वैली वाला। कौन सा वाला डिस्प्यूट? किरार वैली वाला डिस्प्यूट जो चल रहा था, वो डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है। तो 7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हमारा कहाँ चला गया है? छत्तीसगढ़ के पास में चला गया। तो एक्चुअल एरिया हमारा ये हो गया है 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। पर जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा एरिया क्या है मध्य प्रदेश का? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की और जनरल इन्फॉर्मेशन की। हमारे मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जो टोटल इंडिया का 9.38% एरिया कवर करता है। कितना? 9.38% एरिया कवर करता है हमारे मध्य प्रदेश का। यही बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश हमारा क्या है? यूनिकैमरलिज्म, मतलब यहां पर क्या है? सिर्फ एक सदन है। क्या है? एक सदन है यहां पर। कौन सा है? वो भी विधान सभा। और विधानसभा को हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बात करते हैं हम विधानसभा की। तो विधानसभा में मध्य प्रदेश में टोटल कितनी सीट्स है? 230+1। वन सीट जो है वो किसके लिए है? एंग्लो इंडियन के लिए, जो कि अब जाके क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल विधानसभा सीट हमारे यहाँ कितनी है? 230 विधानसभा सीटों में हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है वो SC+ ST के लिए रिजर्वेशन है। तो SC के लिए जो रिजर्व सीट है हमारे यहाँ वो है 30
फाइव, एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है वो हमारे यहाँ है 47, टोटल 82 सीट रिजर्व है हमारे मध्य प्रदेश में किसके लिए, एससी एंड एसटी के लिए, और उसके बाद बची हुई 148 सीट किसके लिए रिजर्व है, जनरल कोटा के लिए रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के हम स्टेट सिंबल की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश का जो स्टेट सिंबल है, तो स्टेट सिंबल मध्य प्रदेश का ऐसा है कि यहां जो मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल है चारों तरफ से कितने 24 स्तूपास से घिरा हुआ है, कितने 24 स्तूपास से घिरा हुआ, और बीच में क्या है हमारा अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है, और राइट साइड उसके क्या है, गेहूं और धान की बालियां, जो हमारे यहाँ की क्या है फेमस, मतलब सबसे ज्यादा बोए जाने वाली क्रॉप है, ग्रोइंग क्रॉप है, कौन सी, गेहूं और धान की बालियां। तो ऐसे हमारा क्या है मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल की। किसकी बात करते हैं, मध्य प्रदेश के स्टेट एनिमल की। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसका नाम है बारा सिंगा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और स्पेशली जो हमारा स्टेट एनिमल बनाया गया है वो कौन सी प्रजाति का है या फिर कौन सी स्पीसीज का है, तो वो है ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी स्पीसीज का है जो हमारा स्टेट एनिमल है, जिसका नाम क्या है बारा सिंगा। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम है रुसवर्स डुवा सेली। ठीक है, वो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका स्टेट एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हमें याद रखना है कि क्या है साइंटिफिक नेम हमारा, रुसवर्स डुवा सेली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम स्टेट ट्री की बात करें, तो हमारा स्टेट ट्री जो है वो क्या है, बेनियन ट्री। क्या है? बरगद का पेड़, जो हमारे किसमें है स्टेट सिंबल में भी है, बीच में मतलब अशोक स्तंभ के पीछे जो दिखता है पेड़ हमें, वो क्या है बरगद का पेड़। तो क्या नाम है इसका, बेनियन ट्री। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस वेंगेलेंसिस। क्या बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम, फाइकस वेंगेलेंसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम स्टेट क्रॉप की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ की स्टेट क्रॉप है वो क्या है, सोयाबीन। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ स्टेट में कौन सी क्रॉप बोई जाती है, तो सोयाबीन बोई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट फ्रूट की, तो दोस्तों हमारे यहाँ का स्टेट फ्रूट जो है वो क्या है, मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई, क्या बात करें हमने स्टेट ट्री की बात करी, तो क्या है हमारे यहाँ का स्टेट ट्री, बेनियन ट्री। स्टेट क्रॉप की बात करें तो क्या है, सोयाबीन, और स्टेट फ्रूट की बात करें तो कौन सा है, मैंगो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम स्टेट फिश की। किसकी बात करते हैं, स्टेट फिश। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि 1981 में मध्य प्रदेश को 25 ईयर कंप्लीट होने पर ही हमने क्या स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल क्या कर रहे थे, अनाउंस किए थे। कब? 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर हमने स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल को अनाउंस किया था। तो स्टेट बर्ड हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, इसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं दूधराज या फिर शाह ए बुलबुल,
है ना। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है दोस्तों, पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर या फिर दूधराज या फिर शाह ए बुलबुल। ठीक है दोस्तों, अब स्टेट फिश की बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ के स्टेट फिश है जो क्या है, महाशीर। क्या है दोस्तों? महाशीर। स्टेट फिश कौन सी है हमारी? महाशीर, जिसका साइंटिफिक नेम है टोर प्यूटी टोरा। क्या नाम है दोस्तों? टोर प्यूटी टोरा। और इसी महाशीर को पता है क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है दोस्तों? टाइगर ऑफ वाटर बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है? स्टेट फिश है जो हमारे मध्य प्रदेश की, इसका नाम है महाशीर, उसे क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ वाटर। और ये जो टाइगर ऑफ वाटर है, जो महाशीर की बात कर रही है, कहां पाई जाती है लगभग? तो हमारे यहाँ की जो नर्मदा रिवर है उसमें क्या पाई जाती है? हमारी महाशीर पाई जाती है। इसी के साथ में हम यहां देख लेते हैं हमारे स्टेट की जो रिवर है, स्टेट रिवर, वो किसे बोला गया है? नर्मदा को। किसे बोला गया है? नर्मदा को, जो कहां से निकलती है दोस्तों? अनूपपुर से। कहां से? अनूपपुर जिले से निकलती है नर्मदा रिवर। और इसी नर्मदा रिवर को 2017 में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने क्या करा था? जीवित लाइफ रिवर, मतलब जीवित नदी, जीवित नदी का एक दर्जा दिया था। किसको? हमारी नर्मदा रिवर को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब बात करते हैं हम हमारे स्टेट डांस की। तो हमारे का स्टेट डांस है वो क्या है? राई। क्या है दोस्तों? राई, जो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है? बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पर क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट ड्रामा की। किसकी बात करते हैं? स्टेट ड्रामा की। तो जो क्या है? मार्च। क्या है दोस्तों? मार्च। और ये कहां परफॉर्म किया जाता है? हमारे मालवा एरिया में परफॉर्म किया जाता है। क्या? हमारा स्टेट ड्रामा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेट स्पोर्ट्स की। किसकी बात करते हैं हम? स्टेट स्पोर्ट की। तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट स्पोर्ट्स है वो है मलखम। क्या है दोस्तों? मलखम, जिसे 2013 में घोषित किया गया है। कब घोषित किया है? 2013 में घोषित किया है हमारे स्टेट स्पोर्ट्स को। बात करते हैं हमारे जो स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड की, तो वो कब घोषित किए गए? 1981 में। और बात करें फिर हमारे जो स्टेट स्पोर्ट्स की है, तो वो कब घोषित किया? 2013 में। तो दोस्तों ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है जो लेटेस्ट में हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की सीटों की। तो हमारे जो मध्य प्रदेश से जो लोकसभा सीट है टोटल, वो कितनी है? 29 सीट हमारे मध्य प्रदेश से है जो लोकसभा में है। और राज्यसभा की हम बात करते हैं, तो राज्यसभा में कितनी है? टोटल 11 सीट है जो हमारे कहां पर है? राज्यसभा में। मतलब एमपी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कितनी सीट से है? 29 सीट पे। और राज्यसभा की बात करें तो कितनी सीट पे है? 11 सीट पे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में या फिर और आने वाले आगे वीडियो में आप लोगों को मिलती रहेगी। यहीं पे मैं इन सब चीज़ों को बताते हुए आपसे आगे मिल लूंगा फिर से और नई इन्फॉर्मेशन एमपी के रिगार्डिंग लेके। तो हम बात करते हैं, थैंक यू दोस्तों, आगे बात करेंगे आगे लेक्चर में कि हाँ किस तरीके से क्या करना है और कैसे करना है। थैंक यू दोस्तों।